पिताजी मेरे सामने बैठे और उन्होंने ये पॉस्चर था उनका मुझे अभी भी याद है मैं चार साल का था और मुझसे बोले हाँ बेटा जरा जोर से बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ने प्रणत क्लेष नाशाय गोविंदाय नमो नम तो मतलब पिताजी मुझे मिल नहीं रहा अच्छा तो उन्होंने क्या किया मेरे सिर को एकदम से यूं पकड़ा और अपने माथे के पास लेकर आए <laughs> और अपना माथा मेरे माथे से टच किया और मेरे भी तिलक लग गया बोले तो ये तिलक तो इतना आसान है इसमें कौन सी बड़ी बात है <laughs> तो महाराज जैसा हमें पता है कि पहले के जमाने में जो हमारे किंग्स वगैरह होते थे हाँ। उनकी पांच पांच बीवियां होती थी हाँ। दस दस बीवियां होती थी तो आज जब यही काम अगर आज लोग करते हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या पर एक चीज तो मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं कि मथुरा का संबंध कृष्ण से है इस बात में कोई संदेह नहीं सनातन धर्मी तो तीन ही गाँव की बात कर रहे हैं पाँच की भी बात नहीं कर रहे अयोध्या की बात कर रहे हैं बनारस की बात कर करें मथुरा की बात कर रहे हैं मान जाएंगे तो सबका हित होगा नहीं होगा तो महाभारत की तो आदत हम लोगों को है ही है बहुत आपने अद्भुत काम किया मेरे जीवन में पहला पॉडकास्ट है जो रात में एक बजे रिकॉर्ड हो रहा है ये अभी हम लोगों ने, ने माई पाठशाला का कीर्तन पूरा किया और आप उसके लिए जो डेडिकेटेड थी और आपने इतनी इच्छा और रुचि के साथ और फ्रेशनेस के साथ आपने ये जो प्रस्तुति करी ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी नमस्ते एवरीबॉडी मेरा नाम तान्या तान्या है एंड वेलकम टू टॉक शो वेल आज हमारे साथ गुरुजी स्वयं प्रधारे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम इट्स अ प्लेजर कि आप हमारे शो पे आए हैं एंड कॉन्वर्जेशन थैंक यू थैंक यू नमस्ते राधे राधे जी राधे राधे तो महाराज जी मुझे आपसे ये पूछना है यू मेंशन सम समवेयर यू आर द 38th जनरेशन ऑफ ऑफ योर फैमिली जो ये भक्ति कर रही हैं 38th जनरेशन मतलब आई वाज शॉक्ड हाउ व्हाट 38 मतलब कैसे ऐसा है 38 आपकी भी होगी 38 भारत में जितने पैदा हुए हैं ना <laughs> किसी की 38 होगी किसी की 45 होगी किसी की 22 होगी <laughs> पर बात इतनी सी कि, कि किसी ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया कंजर्व नहीं किया okay. जब से धरती है तब से मानव की परंपरा चली आ रही है hmm. हम लोगों ने उसको एस्टेटिकली रिकॉग्नाइज hmm. किया hmm. उसकी उस उस डेटा को तैयार किया एक दूसरे के घर के बड़ों को सम्मान दिया उनको सदा याद रखा इसीलिए ये सारी चीज़ें हम उसको रिजर्व कर सके और इसका एक सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी परंपरा। hmm. चैतन्य महाप्रभु उस परंपरा में आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी उस परंपरा में आ गए तो इन सबके आने की वजह से उस परंपरा की वजह से आपको जानकर आश्चर्य होगा राम जी भी थर्टी नाइन थे थर्टी नाइन थे अपनी जनरेशन में उसके बाद तक शास्त्र में उनकी जनरेशन का वर्णन है ऐसे ही चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो मैं तो आपकी बात भी करूँगा कभी आप इतनी फुर्सत से बैठिए तो आप पिताजी से पूछिए पिताजी आपके दादाजी शायद परदादा जी के विषय में बता सकते हैं पर हम लोगों के यहाँ क्या हुआ ऐसी ही परंपरा को रिजर्व किया गया और सब लोग इतने विद्वान इतने सब तरफ धर्म का प्रचार करने वाले इतने सिद्ध और प्रसिद्ध हुए कि सबको समाज ने भी आज धरती पर अभी भी इस समय ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे परदादा जी की भी कथा सुन चुके हैं मतलब मेरा जो बेटा है वो फिफ्थ जनरेशन देख रहे हैं सिक्स जनरेशन देख रहे हैं आज ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हमारी सेवन एट जनरेशन से शिष्य हैं तो ये एक जो प्रवाही परंपरा है ये ऐसे चलती आई है सबसे पहली बात है हमारी परंपरा की शुरुआत तो नारायण से ही होती थी वो तो आपकी भी वही है ब्रह्मा जी ना शुरू के चार पांच तो पूरी ब्रह्मांड के वही हैं फिर उसी क्रम में मध्वाचार्य आते हैं फिर उसी क्रम में पांच साल पहले चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य गोपाल भट्ट जी उनके शिष्य दामोदर जी ऐसे चलते चलते मेरे जो शरण दादाजी हुए श्री माणीलाल गोस्वामी जी फिर विजय कृष्ण गोस्वामी जी जय कृष्ण गोस्वामी जी श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी मैं तो जब छोटा था मुझे नाम रटा दिए गए थे और मुझे अभी भी याद है रोज मैं उनका स्मरण करता हूँ यही भारतवर्ष की खूबीयत है यही भारतवर्ष की श्रेष्ठता है तो जब मैं आपके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा आपका आपके ही चैनल पे जो 11 साल पुरानी है मतलब आप बेसिकली इनके एज के होंगे एकदम तो आपकी अपब्रिंगिंग पहले से आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे यू नो प्यारा मोमेंट अपब्रिंगिंग का क्या रहा है एंड हाउ इट पूरा देखिए मैं आपको बहुत सारे प्यारे मोमेंट्स हैं सब बच्चों के जीवन में सभी कोई ना कोई प्यारे मोमेंट्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे बचपन से बच्चा कुछ नहीं जानता उसके आसपास का वातावरण उसके माता पिता उसको बनाते हैं तो ये चीज़ हमें बचपन से समझा दी गई थी कि मैं एक राधा जी की सेवा परंपरा में मेरा जन्म हुआ है तो राधा जी हमारे लिए प्रमुख है हमें मुख्य उद्देश्य उनकी सेवा करना है आसपास मेरे संत कथाओं का ये क्रम बना रहता था ऐसा नहीं कि मैं खेलता नहीं था मैं क्रिश्चन स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ इस सबके साथ साथ भी मुझे ये जो वातावरण मिला वो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है एक चीज़ मुझे याद है जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है ऐसा था कि मैं बीमार था चार साल का हूँगा और कुछ समय मेरा इलाज बम्बई भी चला था थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हो गया था उसकी शुरुआती फेस में सबसे पहले दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ मुझे अभी याद है सर गंगाराम और चार साल का था आई थिंक जो रूम नंबर था वो 129 था और छोटा सा रूम था राइट हैंड साइड में एक बेड डला हुआ था आयरन बेड था और उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार था इसलिए एडमिट किया गया था तो मुझे याद है मेरी माँ बड़ी चिंता में थी और पिताजी और कुछ लोग एडमिशन फॉर्म भर के पैसे जमा करके और वहाँ आके बैठे और माँ बड़ी भावुक थी पिताजी मेरे सामने बैठे और उन्होंने ये पॉस्चर था उनका मुझे अभी भी याद है मैं चार साल का था और मुझसे बोले हाँ बेटा जरा जोर से बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश गोविंदाय नमो नमः तो मैं सुना तीन बार उनने बोला फिर मैंने उनके साथ रिपीट किया तो मैंने उस कमरे का जो उस दिन वातावरण बदलता देखा अपने आप को बदलते देखा मेरी माँ के भाव को बदलते देखा उसने मेरे अंदर कुछ ऐसा घटाया जो मैं उस दिन तो नहीं समझ पाया पर वो मेरे अंदर छपी हुई थी चीज़ जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं उस चीज़ का विचार करता रहा तो मुझे मेरे जीवन में मैंने उस दिन एक जिसको आप चाहे चमत्कार कह लो चाहे उसको कुछ कुछ भी कह लो डिवाइन कह लो पर वो एक बड़ी अद्भुत चीज़ मैंने उस दिन अनुभव की मैन कम टू spirituality अगर ये बात कहूँ तो ऐसी तो स्वीट मेमोरीज तो मेरे साथ बहुत सारी हैं एक बड़ी स्वीट मेमोरी है कि एक बार हम कथा में जा रहे थे मैं ऐसा होऊंगा बारह तेरह साल का और उस दिन क्या हुआ कि हमारे बैग में जो हमारा ये तिलक होता है ये तिलक मेरा खो गया मिल नहीं रहा था और पिताजी तिलक लगा चुके थे ये श्री और वो कथा में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तिलक तो मतलब पिताजी मुझे मिल नहीं रहा अच्छा तो उन्होंने क्या किया मेरे सिर को एकदम से यूं पकड़ा और अपने माथे के पास लेकर आए <laughs> और अपना माथा मेरे माथे से टच किया और मेरे भी तिलक लग गया बोले तो ये तिलक तो इतना आसान है इसमें कौन सी बड़ी बात है <laughs> <आवस्ट>। <laughs> तो ऐसे बहुत सारी मैं घर में क्रिकेट खेलता था तो घर में गमले फूटने लगे yeah. तो फिर माँ ने डांट लगाई उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था कि गमले फोड़ते रहोगे तो दो दिन हम नहीं खेले तो दिन पिताजी बोल रहे बोले चल हम खिलाते हो तुमको तो, तो हम सब लोग खेलने लगे फिर वो नए गमले भी ले आए ऐसी हजारों मेमोरीज है हम लोगों के साथ सो इट वाज अ फन चाइल्डहुड एक्सेलेंट जबरदस्त so only... मैं टाई सूट पहन के स्कूल जाता था रोज सुबह शाम को लौटता था वहाँ आवर फादर हु आर्ट एंड करता था वहाँ सामने जाके क्रॉस लगा हुआ था उसमें यूँ भी मुझसे कराया जाता था <laughs> और शाम को आगे मैं हाथ दोनों हाथ जोड़ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके कीर्तन भी करता था so it was beautiful.

इज़ अ क्रिश्चियन स्कूल सो that's देयर ट्रेडिशन अब दसवीं के बाद जब मैं इलेवन ट्वेल्थ में गया तो वो अमरनाथ विद्या आश्रम उसका नाम था <laughs> तो वहाँ रोज सुबह यज्ञ होता था रोज सुबह शिवालय में जाके जल चढ़ाना पड़ता था हाल इट वॉज अ नाइस सी बी एस ई बोर्ड स्कूल तो मैं वो भी करता था मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं हूँ वट आई मीन टू से जैसे एक नॉर्मल uh, बच्चे का एक अपब्रिंगिंग होती है ऐसी मेरी थी मैं खूब मैंने उसमें आनंद किया है खूब खूब मज़ा किया पर मैं इस चीज़ के साथ भी मुझे खूब व्यस्त रखा गया है बचपन से और मैं दोनों चीज़ को अच्छे से समझता रहा आज की जो एकेडमिक एजुकेशन है एक जिसको हम एक काइंड ऑफ नॉर्मल लाइफ कहते हैं वो भी मैंने देखी है और जो इसको हम बहुत आध्यात्मिक लाइफ है जो एक्चुअल में नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए उसको भी देखिए महाराज जी वे विद गुरु मा शी टोल्ड मी कि आप आप और गुरु माँ आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत से ऐसे एफर्ट्स और यू you नो know, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं सो फॉर यू व्हाट इज अ परफेक्ट हस्बैंड टू बी एक <laughs> <something>? <laughs> इसको मैं हस्बैंड की परिभाषा तो नहीं मैंने ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं किया मेरे जीवन में तो ऐसा है कि अगर आपके हार्ट में कोई चीज़ क्लिक होती है और अगर आपको अपनी प्रभु के ऊपर विश्वास है तो भगवान पर भरोसा करके और अपनी फीलिंग पर भरोसा करके आगे चलते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है मैं इस अनुभव के साथ चला अफकोर्स उनका एक अलग फैमिली बैकग्राउंड था मेरा था पर मैं उस चीज़ की वो एक क्लिक सी थी और भगवान पर भरोसा था तो मैं आगे चला पर हाँ अ, अ, मेरे को एक चीज़ ऐसी लगती है कि बेस्ट हस्बैंड वो हो सकता है जो बेस्ट फ्रेंड हो बेस्ट लवर हो बस हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं करे <laughs> <laughs> प्रेम करने की कोशिश करे मित्र बनने की कोशिश करे सह, सहयोगी बनने की कोशिश करे हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं करे अगर वो ये कहता ना कि मैं हसबेंड हूं hmm. तो मजा नहीं आता उसको तो ये कहना चाहिए मैं बेस्ट फ्रेंड हूं मैं बेस्ट सपोर्टर हूं मैं बेस्ट बिलविड हूं सामने वाला बोले आप बेस्ट हस्बैंड हो तो अच्छा लगता है <laughs> तो महाराज जैसे पहले के जमाने में जो हमारे किंग्स वगैरह होते थे हाँ। उनकी पांच पांच बीवियां होती थी हाँ। दस दस बीवियां होती थी तो आज जब यही काम अगर आज लोग करते हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम ये है यही सनातन धर्म की खूबियत है उस समय की ये स्थिति थी कि पॉलीगेमी बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस थी बिकॉज रेट फीमेल रेट पर मेल के हिसाब से था right. पर जैसे यूनिवर्सल चेंजेस आए तो राम को आदर्श बनाया गया hmm. और एक पत्नी व्रत रहना श्रेष्ठ माना गया उस समय भी श्रेष्ठ था इसलिए राम जी ने एक ही शादी करी आई वुड से हमारे यहां गलत कुछ भी नहीं है अलग है Accord गलत कुछ भी नहीं है गलत कुछ भी नहीं है अलग है अलग से मेरा मतलब सिचुएशन कैसी है परिस्थिति कैसी है शादी का स्वरूप कैसा है इसलिए हम पहले राजा बहुत सी शादी करते थे तो मैं कहूँ वो बहुत से लोगों को संभालना भी जानते थे तुम पचास शादी तो कर सकते हो एक घर वाली तो तुम पर संभल नहीं रही है <laughs> पचास संभाल पाओगे Right. मुझे अगर उतने पचास रहने की किसी में खूबियत हो तो मेरे से जरूर कांटेक्ट करें <laughs> मैं बड़ी कोशिश करूंगा ढूंढ के लाऊंगा अच्छा और मेरे को एक इसमें को को इस को है इसमें पुरुषों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्त्रियों को ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो तैयारी हो जाएंगे कि दस हजार लोगों से शादी कर ले उन्हीं को प्रॉब्लम होनी है क्योंकि एथिकल नहीं है right. ये एथिकल नहीं है कोई भी इसको एथिकल स्वीकार नहीं कर सकता और भारत में सब होते हुए भी इस बात की ट्रेडिशन को बेस्ट बोनाफाइड ट्रेडिशन क्या है वो यही है कि एक पति व्रत और एक पति व्रत रहना चाहिए ये सबसे ऊंची चीज है इसके बाद में पॉलीगेमी प्रैक्टिस में आई सिचुएशन सामने आए इन इन कारणों से शादी हुआ शादियों को स्वीकार किया गया और इतनी शादियां क्यों होती थी क्योंकि भारतीय परंपरा में शादियां भी आठ प्रकार की हैं आज जिसको हम लिविंग इन रिलेशनशिप कहते हैं अगर पहले किसी के साथ आपका शारीरिक संबंध हो जाए किन्हीं भी कारणों से तो आप बस उसको ये नहीं कह सकते कि इट वॉज़ जस्ट अर अट्रैक्शन और जस्ट एक कुछ था देर इज नथिंग सीरियस ये सब वेस्टर्न कल्चर है हमारे यहाँ उस चीज़ को स्पष्ट कहा जाता था कि अब आपको इसको पत्नी और इसको पति रूप में स्वीकार करके जीवन भर इसका निर्वाह करना पड़ेगा यू शुड बी केयरफुल एंड शुड हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस उसको हमारे यहाँ एक गंधर्व विवाह है राक्षस विवाह है आसुरी विवाह है दैव विवाह इस प्रकार से आठ प्रकार की कैटेगरीज हैं तो पहले देवता इतने एथिकल भी थे रिस्पॉन्सिबल भी थे उसको स्वीकार करते थे राजा लोग सब पर एक आदर्श विवाह क्या है कि शिव के साथ पार्वती है आदर्श विवाह क्या है नारायण के साथ लक्ष्मी है आदर्श विवाह क्या है कि राम के साथ सिया है आदर्श विवाह क्या है चाहे कितनी भी शादी हो जाए पर कृष्ण के साथ हमारी राधा रानी है तो महाराज जी एक और चीज कही जाती है कि जैसे कि मीरा जी जो कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त कह सकते हैं हम उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें और दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो गलत नहीं है लेकिन वही चीज़ अगर हम राना जी के पर्सपेक्टिव से देखें जो उनके हस्बैंड थे जिन्होंने उनको का प्याला दिया था तो हाउ वज ही रॉन्ग बिकॉज अगर किसी की वाइफ भले वो श्री कृष्ण क्यों ना हो अगर वो उनके प्रेम में अगर इतनी ज़्यादा समर्पित हो चुकी हैं तो अगर हम देखा जाए प्रैक्टिकली हम अगर देखेंगे तो इट्स प्रिटी नॉर्मल कि किसी को भी ये चीज बुरी लगेगी सो हाउ इज ही रॉन्ग नहीं वैसे भी राणा जी ने मीरा जी को कोई परेशान नहीं किया अगर हम हिस्टोरिकली जाएंगे वो देवर थे इट वाज बिट ऑफ अ पॉलिटिक्स जो देवर था ना उसने मीरा को परेशान किया ज्यादा okay. हाँ राणा जी तो उनके प्रति बहुत फेवरेबल थे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे राजपद पर बैठे हुए थे और एक प्रकार से हिस्टोरिकली देखा जाए तो देवर की तरफ से ज्यादा समस्या थी बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द पॉलिटिक्स एक और बात है कि अगर ठीक है आपकी पत्नी है और वो अगर श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी है तो जहर देना कहाँ से एथिकल होता है या रॉन्ग और राइट होता है इसलिए राणा जी के विषय में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है आज यहाँ इस पर विचार की ज़रूरत है कि अगर वो ये बोली कि आपके साथ जो एक घटना सुनाओ मैं मीरा पहुँची अपने कमरे में शादी के बाद तो राणा जी आए तो मीरा राणा वैसे राजा को बोलते महाराष्ट्र में इसलिए महाराणा बाद में हुए। अभी भी जो राजा है उनको राणा बोला जाता है आई मीन तो से मारवाड़ में सॉरी महाराष्ट्र नहीं, नहीं मारवाड़ में तो राणा जी राजा को बोला जाता है तो उस समय जो उनके पति राजा थे बाद में देवर राजा बनाए है। है। तो जो राणा जी थे वो आए और मीरा ने कहा राणा जी एक चीज आपसे छुपाई गई है और मुझे बोलने को नहीं कहा गया वो क्या बात है बोले मेरी दूसरी शादी है तो बोले पहली शादी कौन सी है बोले पति कौन सा बोले उसको लाई हूं अंदर है तो नाराज़ हो गया कि भाई ये तो धोखा हुआ और पहली कहाँ तो मीरा अंदर गई और छोटे से गोपाल जी को ले आई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई तो मीरा तो उन्हीं को स्वीकार करती थी तो और एक और चीज़ बताऊँ दुनिया में जो श्री कृष्ण को पति मान लेता है वो दुनिया में कभी किसी पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं करता वो तो अपने उद्धार के साथ साथ अपने पति का भी उद्धार कर दे आज राणा की बात ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस घर में मीरा हो गई है नहीं तो बहुत सारे राणा उस राजवंश में आए हैं सबको मीरा के पति बनने का अवसर नहीं मिला और अगर हम बात करें मथुरा की कंट्रोवर्सी के बारे में महाराज जी जिसमें कहा जा रहा है कि ईदगाह मस्जिद तोड़ दी जाएगी क्योंकि उनके फर्स्ट स्टेप में कृष्ण जी की मूर्ति अंदर दबी है तो ये सेम क्वेश्चन मैंने इंद्रेश जी से भी किया था और उन्होंने यही आंसर दिया था कि अगर ऐसा है सच तो उन्हें बाई इज्जत वो जगह खुद खाली कर देनी चाहिए इंसानियत के तौर पे आपका क्या कहना है निश्चित मैं उस बात से उनकी सहमत हूँ हम अगर ह्यूमन बिहेवियर रखते हर धर्म आ, आपस में बैर रखना यह कोई भी मज़हब नहीं सिखाता हमारा पूरा देश साल में दो चार बार ये गीत के गाता ही है आपस में बैर रखना मज़हब नहीं सिखाता तो एक बात तो पक्की है देखो सीढ़ी में है नहीं है ये तो आर्कोलॉजिकल बताएंगे तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी सुप्रीम कोर्ट बताइए मेरे भाषणबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है पर एक चीज़ तो मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं कि मथुरा का संबंध कृष्ण से है जी। इस बात में कोई संदेह नहीं है और सीधी बात है कि हम उस मथुरा की विषय में बात कर रहे हैं जिसमें हमारी पूर्ण रूप से आस्था है जैसे काशी में जैसे हमारी अयोध्या में ऐसे ही मथुरा में कितनी सुंदर बात हो जाए मैं तो विनम्र उनसे ये निवेदन करने को तैयार हूँ कि आप भाई जैसे श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और पांच गांव पांडवों से मांगे थे वो मान गए काम बन गया नहीं मांगे तो महाभारत हो गई सनातन धर्मी तो तीन ही गाँव की बात कर रहे हैं पांच की भी बात नहीं कर रहे अयोध्या की बात कर रहे हैं बनारस की बात करें मथुरा की बात कर रहे हैं मान जाएंगे तो सबका हित होगा नहीं होगा तो महाभारत की तो आदत हम लोगों को है ही है और अगर हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो एज अ यूथ आई वॉन्ट टू आज दिस क्वेश्चन कि वेयर इज दिस कंट्री लीडिंग टू महाराज जी क्योंकि अभी हम मैं अगर कौन मैं अगर पर्सनली अगर ये चीज़ अगर ऑब्जर्व करूँ तो कश्मीर फाइल्स मूवी आ गई ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं अभी अयोध्या बन गया है एंड हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं भगवा लहराएंगे सब कुछ है वेयर इज़ आर इंडिया लीडिंग टू हाउ डू यू सी इंडिया आफ्टर फाइव ईयर्स ब्यूटिफुल राम जी आ गए क्या समस्या है भारत वो है जो सबको सदा स्वीकार करता है और सबको सदा स्वीकार हम अपनी जगह को अगर बहुत आवाज़ से मांग रहे हैं अपने धर्म की आवाज़ से बात कर रहे हैं तो ये इंडिया को कहाँ ख़राब कर रहा है ये तो बहुत ज़्यादा इंडिया को बेटर अनुभव दे रहा है आगे लेके जा रहा है सब लोग जान रहे हैं कि एक मंदिर का क्या अरे इंडिया की बात छोड़ी धाबी मंदिर का इनोग्रेशन करा रहा है तो इसमें इसमें क्या समस्या है ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ तो राजवंश है वो तो इस्लामिक कंट्री है मुझे याद है आज से बहुत वर्षों पहले मैं जब अबू धाबी कथा करने जाता था धोती पहन के घूमना अलाउड नहीं था नहीं। और वो कंट्री कितनी विकसित हुई मुझे याद है जब मेरे पिताजी वहां सत्संग करते थे तो बाहर अगर जूते होते थे तो पॉलीथीन में रखे जाते थे अगर कोई कंप्लेन कर दे तो हम लोग अरेस्ट हो सकते थे हम उस सिचुएशन में उन कंट्रीज में गए हैं अभी भी रशिया में मंदिर पे केस होके तोड़ दिया जाता है चाइना में कोई मंदिर खोल नहीं सकता है रशिया में गीता पर केस होता है जो बहुत विश्व में फेमस हुआ है तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में हमारा देश कितनी ऊंचाई पर है भाई आप सब आपस में सब आनंद कर रहे हैं मथुरा का विकास होना चाहिए अयोध्या का होना ये सब होना चाहिए डेफ़िनेटली अब ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी आई है और केरला स्टोरी जैसी मूवी आई हैं तो ये तो हिस्ट्री है ये तो सदा आई है हम एक चीज़ ये बताइए कि हम जब कोई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे मूवी दिखाते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती तब क्यों क्रिश्चियन हिंदू तो कर नहीं रहे तब तब कुछ नहीं कर रहे तब ब्रिटिशर्स और ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट ला रहे तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री की वजह से अगर कश्मीर फाइल दिखाई जाती है केरला स्टोरी दिखाई जाती है उससे पहले अगर हम अकबर काल में हुए शोषण को दिखाते हैं तो आप कहते हो धर्म की बात उठा रहे हो और उस समय अगर जोधा अकबर हम बना देते तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे ये तो कोई बात समझ में नहीं आती हिस्ट्री के पॉइंट पर अच्छा ब्रिटिशर्स ने भी तो अच्छे काम किए ही क्या नहीं किए अगर हम ब्रिटिशर का अच्छा काम मूवी में दिखाने लग जाएं अ प्रॉब्लम उनकी तरफ अगेंस्ट ही दिखाना ठीक है और किन्हीं की तरफ सपोर्ट में दिखाना धर्मनिरपेक्षता है ये कहाँ की बात है अगर सनातन धर्म में भी कई चीजें बीच में गड़बड़ हुई हैं कास्टिज्म को लेकर मूवी आती है डाउरी सिस्टम को लेकर मूवी आती है किस जमाने में सती प्रथा को लेकर तो किसने विरोध किया हम लोगों ने उस चीज़ को तो हिस्ट्री के पार्ट को स्वीकार की जाए इसका मतलब ये है कि देश अपनी हिस्ट्री को जान रहा है उसमें हुए एरर्स को सुधार रहा है और भविष्य में एक स्वर्ण की चिड़िया की तरह देश उड़ के विश्वगुरु की तरह बन सकता है यही इस देश की भूमिका है ज़बरदस्त आगे फ्यूचर है क्योंकि आज का युवा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ए में भी इंडियंस लीड कर रहे हैं अमेरिका स्तब्ध है विश्व स्तब्ध है आज टॉप नेशनल कंपनीज में मल्टी कंपनीज में हेड इंडियंस बैठे हुए हैं उसके साथ हमारे पास स्पिरिचुअल बैकअप है राइट right. ये वो देश है जो चंद्रयान के ऊपर भी स्वास्तिक बनाता है ये वो देश है जहाँ का साइंटिस्ट भी सबसे पहले जाके मंदिर में राम जी को प्रणाम करता है और फिर जाके लेबोरेटरी में साइंस के ऊपर काम करता है ये ब्यूटी पूरी दुनिया में कहीं में नहीं है या तो वहाँ एथिज्म है या साइंस है ये देश ऐसी है मैंने देखा है कि बड़े से बड़ा वकील जो कि न्याय के ऊपर एक सामने बैठे जज को बोलता है उसको माय लॉर्ड कहने से पहले मंदिर में लॉर्ड कृष्णा की गीता पढ़ के जाता है और यही भारत को आगे लेके जाएगी। That, definitely. मुझे ना एक और क्वेश्चन था बिकॉज अबाउट यूथ राइट नाउ तो ये जो जनरेशन है जिनका कनेक्शन हो रहा है भक्ति से थ्रू सोशल मीडिया हा? मैं रील्स देखती हूँ तभी मुझे पता चलता है, अच्छा ऐसा भी हुआ था बट अगर ऐसे अगर हमारे घर में अगर भक्ति हो रही है तो हम बैठ के नहीं सुनते तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस की इज दिस टेकिंग इट इन द राइट वे और देखो ऑलवेज मीडियमों से ही धर्म गया जब किताबें फेमस थी तो किताबों से गया जब टीवी फेमस था तो टीवी से गया पर हाँ इसमें दो चीज की सुधार है कि आप जहां से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इतना जरूर देख लीजिए कि वो कितना वैलिड है वो कितनी ऑथेंटिक व्यक्ति है या उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है नहीं तो आपके साथ को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि धर्म का तत्व बहुत बड़ा है बहुत गहरा है और दूसरी बात ये है कि आप ऐसा ऑलवेज ही होता आया है कि व्यक्ति कई बार अपने लोगों से कम सीख पाता है बाहर के लोगों से ज़्यादा सीख पाता है ये तो पूरे देश का पाँच हजार साल से हमारे यहाँ योग है पर जब वो योगा बनकर आता है तो सब बैठे फूक मारना शुरू कर देते हैं <laughs> पहले कोई नहीं मारता <laughs> अब हम क्या बोले योगा कहते ही सबको आनंद आने लग उसमें अमेरिका का एक घुस गया हम लोग हजारों साल से मोक्ष की बात कर रहे किसी को समझने पर जो मोक्षा बन के आया <laughs> तो सब मस्त हो गए Trend. ऐसे ही जब हम निर्वाण की बात करते थे गीता से लेके बुद्ध तक तो सब बोलते थे पता नहीं क्या चीज है पर वो निर्वाणा बन के आया उसमें जहाँ जहाँ अमेरिका का आग घुस जाता है सबको अच्छा लगने लगता है तो ये तो मानव का सदा से ही धर्म है कि वो दूसरा कोई सिखाए कई बार अपनों का हम बात नहीं समझ सकते हाँ ये तो मैंने आपसे इसलिए कहा कि ये आदमी का स्वभाव ही यही है ये। पर स्वभाव को बहाना मत बनाइए स्वभाव को सुधारिए और स्वभाव को कैसे सुधारा जाता है हम रीलों के माध्यम से धर्म सीख लें उसमें कोई बात नहीं है तो वो रीलें ये भी बता रही हैं कि घर में जो लोग हैं उनका भी सम्मान कीजिए वो रीलें ये भी कई बार बताएंगे माता पिता का भी सम्मान कीजिए बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान कीजिए और उससे प्रेरणा लेकर के उन मीडियमों से पूरी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से आगे चलाए महाराज जी मैं आपका अब ज्यादा समय नहीं लूंगी इनफैक्ट थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना टाइम दिया और जब भी मैं अपना पॉडकास्ट पूरा करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि महाराज जी आपने अभी ये पॉडकास्ट देखा मैं अपने अंदर और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती योर your... नहीं बहुत आपने अद्भुत काम किया मेरे जीवन में पहला पॉडकास्ट जो रात में एक बजे रिकॉर्ड हो रहा है ये अभी हम लोगों ने निमाई पाठशाला का कीर्तन पूरा किया और आप उसके लिए जो डेडिकेटेड थी और आपने इतनी इच्छा और रुचि के साथ और फ्रेशनेस के साथ आपने ये जो प्रस्तुति करी ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी और इस चीज़ को ऐसे ही आग आगे बढ़ाते जाइए सुधार तो तब व्यक्ति जो उसके जीवन में सुधार चाहिए होता है वो उसको समय समय पर भगवान अनुभव कराते रहते हैं ऐसे भगवान आपको आपके जीवन में जो सुधार करने उसका

आप पूरी लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइए अगर आप इन चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दें आपको कितना मेंटल है मेंटल पीस मिलेगा आपको कितना मेंटल मोटिवेशन मिलेगा ये बहुत ही जीवन में अच्छी चीज़ है आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए और सबको प्रेरित करते रहिए और हम समय समय पर और ऐसे संवाद करते रहेंगे डेफिनेटली थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टन लाउ एंड इनफैक्ट आई नो आपको ये बहुत पसंद आया होगा और इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा So thank you so much for watching. Do stay tuned for next podcast. And if like share and subscribe. Radi thank radi. you. Radhi, 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 Radhi.